Hello guys, welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, इस वीडियो में अपन तीन रियल लाइफ इंसिडेंट्स की बात करने वाले हैं जिसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया टुवर्ड्स व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग CA exams. So I'm certainly sure this is going to be very useful for you. So stay tuned throughout the end. Before that, in case you are new to this channel, I put loads of videos on motivation, study plans, last minute tips and tricks. So please consider subscribing and hit that bell icon so that you don't miss out on any update. Okay guys, so the very first incident. अच्छा, द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. आई एम लीविंग द लिंक टू माई इंस्टाग्राम हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो ये जो इंसिडेंट है, दिस इज रिलेटेड टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. मे 15 का अटेम्प्ट था, हमारी एग्जामिनेशन कुछ चल रही थी एंड फर्स्ट ग्रुप की एग्जाम्स हो चुकी थी, आई थिंक. हाँ, सेकेंड ग्रुप का भी एक पेपर हो चुका था एंड फिर इसका का पेपर था. राइट, इसका का पेपर था, तब इसका हुआ करता था, मतलब ओल्ड कोर्स ऑफ कोर्स. तो इसका के पेपर के ठीक एक दिन पहले उसको कुछ फ्लू टाइप कुछ हो गया, टेम्परेचर फीवर बहुत हाई हो गया था उसको. तो उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि प्लीज तुम एग्जाम देने को मत जाओ, बिकॉज आपकी तुम्हारी हालत ही नहीं है एग्जाम्स देने के लिए. तो उसने तब सोचा कि यार, पूरे साल भर से पढ़ाई की है, एग्जामिनेशन तो मैं देने जाऊंगी. तो उसके पेरेंट्स ने बोला, अरे पढ़ोगी कैसे? उसको ना बुक खोलते ही आंखों पे बहुत स्ट्रेन फील हो रहा था एंड बैठा ही नहीं जा रहा था. बेसिकली शी वॉज कंप्लीटली एनर्जी लेस. तो उसने एक ही चीज बोली उसके पेरेंट्स को, मैं खुद आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ फॉर श्योर, मैं लेटी रहूंगी, लेकिन आई वॉन्ट टू गो एंड गिव द एग्जाम्स. तो उसने क्या किया, उसने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं लेटती हूं, मेरी आंखें बंद रहेगी, तो उससे जितना हो ये इसका का सिलेबस पढ़ती रहे मेरे सामने, जितना मैं सुन सकती हूँ उतना सुनूंगी, लेकिन एग्जाम में जरूर जाओगे. यू नो व्हाट, वो पर्सन, उसने पूरे साल भर से रैंक के लिए मेहनत की थी एंड ये सिचुएशन आ गई थी उसके सामने, बट उसने यही बोला कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ तो करूं, तू पढ़, मैं जितना हो सके आई ट्राई टू ग्रास्प इट एंड एग्जामिनेशन देने को जाओगे. She went to the examination hall, she gave the paper and उसको इसका में तो exemption मिला ही मिला and she secured AIR 18, rank 18th May 15 examinations. क्या सीखा इस incident से guys? See guys, ये हमेशा ध्यान में रखो कि we cannot delay things towards the end. अभी इसने क्या किया था मेरे फ्रेंड ने, स्टार्टिंग से इतनी प्रिपरेशन की थी कि एग्जामिनेशन के पहले कुछ थोड़ी बहुत इमरजेंसी आ भी जाए तो भी उसने थोड़ा बहुत कुछ करके एग्जामिनेशन में तो गई ही गई और एग्जेम्पशन लाया. क्या ये पॉसिबल होता अगर अपन लास्ट मोमेंट सोचते कि यार ये तब देख लूंगी, ये तब देख लूंगी, एग्जाम के पहले देख लूंगी? ये बात हमेशा ध्यान में रखो, व्हाट गेट्स डिलेड गेट्स डिनाइड, डोंट डिले थिंग्स टुवर्ड्स द एंड. तो अभी अपने पास गाइस पहले 20 डेज बचे थे, कुछ 15 डेज बचे थे, अभी 35 डेज बचे हैं अपने पास. तो ऐसा मत सोचो कि पहले जो 20 दिन में करने वाली थी वो अभी 35 डेज में करना है. नो गाइस, आपको अभी यही सोचो कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मेरी एग्जाम्स है, ताकि उसके बाद जो आपने सोचा था ये छोड़ दूंगी, ये ग्रुप नहीं करूंगी, इसमें कुछ 40 आ जाए, ऐसा कुछ जो आपके पढ़ाई में डिस्क्रिपेंसीज थी उस पे काम करना चालू करना है. आरटीपी नहीं किया होगा, पेपर सॉल्विंग नहीं किया होगा, कुछ सब्जेक्ट का कुछ सिलेबस छोड़ा होगा. लेट अस लीव नो स्टोन अनटर्न एंड लेट अस नॉट डिले थिंग्स टुवर्ड्स द एंड. सो दैट्स द वेरी फर्स्ट लेसन. So before moving on towards our next incident, a quick update for CA Foundation and Intermediate students. Unacademy has launched its free MCQ test series from today, like today and tomorrow. There are two dates, 17th October and 18th October. This is going to be absolutely free of cost. So agar aapko aapki level of preparation still date check karni hai, to you can certainly go and check that out. The first and the second winners are going to get exciting prizes. I am leaving all the details in the description box below. Right. Now second incident. Now this incident jo ye mera friend nahi tha, but this was a person jo hamara batchmate tha. यू नो, हम हमेशा से स्कूल में हम लोग का रैंक आता था, यू नो वी टॉप ग्रेड्स वगैरह मिलते थे, बट दिस पर्सन आई वोंट से कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलते थे, बट एवरेज, लाइक 70-80% मार्क्स मिल जाते थे.
तो हम सब ने मतलब ऑलमोस्ट जो भी रैंकर्स थे और 70-80% वाला जो क्राउड था सबने सीए के लिए ही ऑप्ट किया था. यू नो गाइज, आईपीसीसी एग्जामिनेशंस हमारे टाइम मई 2012 आईपीसीसी एग्जामिनेशंस, बहुत सारे रैंकर्स हमारे क्लैन में से, बहुत सारे जो रैंकर्स थे उन्होंने पास नहीं किया वो एग्जामिनेशंस, बट दिस गाय क्लियर दैट एग्जामिनेशन. यू नो व्हाई? क्योंकि हार्डवर्क, कंसिस्टेंट हार्डवर्क. उसने एक ही चीज दिमाग में फिक्स कर ली थी, उसको देख के तो मुझे एक ही चीज ध्यान में आती है आज के डेट में कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड. कि मैंने हम अभी ये सीख लिया है, फॉर दैट मैटर दिस इज अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि सीए में ना इंटेलिजेंस उतना मैटर नहीं करता है जितना हार्डवर्क मैटर करता है. टैलेंट तो ठीक है, होता है, ठीक है, रिक्वायर्ड भी है. ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आता है अपने को, ऐसे इस स्टेट पे भी नहीं रहने चाहिए, बट यस, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट फॉर श्योर, अगर टैलेंट अपना काम नहीं करेगा तो. एंड दैट पर्सन गाइज, माइंड यू, ही इज प्लेस्ड एट अ सच अ रेप्यूटेड एमएनसी टूडे, जहां पे बहुत सारे लोग जिनका रैंक आया था कभी स्कूल में, कभी किसी भी स्टेज पे, वो लोग भी आज उस स्टेज पे नहीं है जिस स्टेज पे आज वो लड़का है. वी ऑल आर प्राउड ऑफ हिम टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वालिटी, डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क. अगर आपको लगता है कि प्रिपरेशन लेवल्स इतने नहीं हुए हैं अभी तक, तो भी गाइस 35 days, क्या 35 days कम होते? चलो एक महीना समझ लो आप, एक महीना है कंसिस्टेंट डेडिकेटेड एफर्ट से अपन एटलीस्ट सिंगल ग्रुप तो क्लियर कर ही सकते हैं. यस, एंड द थर्ड स्टोरी इज, नाउ अगेन दिस इज वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे. एंड एज यू गाइज नो, मैंने बहुत वीडियोज में पहले भी बोला है, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट था मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, आज भी पसंद नहीं है, नहीं पसंद था. तो फिर हम पढ़ाई करते थे, हम दोनों को ही कॉस्टिंग पसंद नहीं था, तो वी वर वेरी एवरेज. लाइक कॉस्टिंग को 70-80% पढ़ाई की थी, ठीक है, डिसेंट इनफ. एग्जाम के एक दिन पहले आई पैनिक्ड, मुझे डर लगने लग गया, अरे कॉस्टिंग का पेपर है, मैं फेल हो गई तो, मैं एग्जाम में ब्लैंक हो गई तो, वगैरह वगैरह. मैंने उस फ्रेंड को कॉल किया, उसने एक ही बात बोली, अरे जितना आता है उतना लिख के आएंगे. सिर्फ उसने बस इतना बोला, अरे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले एंड जितना आता है उतना लिख के आ जाएंगे, राइट? तो हम एज यूजुअल, मैं तो थोड़ा पैनिक स्टेट में ही थी, बट दैट पर्सन, उसको पता था कि मुझे इतना परफेक्शन नहीं है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, पर भले ही मैं 70-80 मार्क्स का लिख के आऊंगी, पर चलो आई ट्राई एंड गिव माई बेस्ट शॉट. एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे हम, उसके पहले भी शी वॉज ऑल कूल एंड काम, उसके हाथ में तो बुक भी नहीं थी, मैं लास्ट मोमेंट बुक पेपर्स वगैरह देख रही थी. एग्जाम हॉल में गए, दोनों का पेपर वापस एवरेज गया था. दैट पर्सन जो मेरी फ्रेंड थी, उसको 55 मार्क्स मिले क्वेश्चन में. जस्ट इमेजिन एक एटीट्यूड, एक मेंटेलिटी का क्या फर्क पड़ता है. सो दैट्स द लर्निंग हियर गाइस. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? थोड़ा कम लिख के आओगे, चलेगा, कम लिख के आओ, 80 मार्क्स का आता है ना, 80 मार्क्स का लिख के आओ. लेकिन कभी कभी ना, अगर आपको 10-20 मार्क्स का नहीं भी आता है एग्जाम में, वो 20 मार्क्स की वजह से पूरा 80 मार्क्स टेक पे चले जाते हैं, ये ध्यान में रखो. तो आपको चूज करना है, 80 मार्क्स को चूज करते हो या जो 20 मार्क्स नहीं आता उसको चूज करना है. तो अभी भी कमिंग 30-35 डेज है अपने पास, वी नीड टू हैव अ कूल, काम एंड कंपोज्ड माइंडसेट. क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे लोग बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन वो लोग फेल हो जाते हैं, एंड बहुत लोग थोड़ा ठीक है, ठीक ठाक करते हैं लेकिन बहुत बिंदास रहते हैं. दीज पीपल आर नॉट केयरलेस, बट दीज पीपल आर केयरफ्री, एंड इस केयरफ्री एटीट्यूड वाले लोग पास कर जाते हैं. एंड बहुत सारे लोग जो सिर्फ लॉग्स लॉग्स लॉग करते रहते हैं और डर जाते हैं एग्जाम के टाइम, वो लोग पास नहीं करते, राइट? सो लर्न दिस एटीट्यूड, डेवलप दिस एटीट्यूड. वी हैव गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम नाउ, लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर एटीट्यूड एज वेल. ओके गाइज, आई होप दिस वॉज इंसाइटफुल, आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस टूडे, एंड प्लीज अप्लाई दीज लर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट 35 days. ओके गाइज, किसी भी चीज की जरूरत है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग सेशन, आई एम देयर टू हेल्प यू. कॉल काउंसलिंग के सेशंस तो शायद अभी और 10 days के लिए बुक्ड हैं, बट ईमेल काउंसलिंग सेशंस के लिए आप सर्टनली अप्लाई कर सकते हो. ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ. दिस इज मी साइनिंग आउट, बाय.